देश में पकौड़े पर जमकर सियासत चल रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही। पक्ष हो या विपक्ष, पकौड़े पर अपनी राजनीति चमकाने में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए पकौड़े बेचने की सलाह पर जो उबाल आया तो उसकी आंच लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह जिले के अम्बेडकर चौराहे पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी अपनी टीम के साथ सीने पर डिग्री का उल्लेख का टैग लगाकर ठेले पर पकौड़ा तल रहे हैं। मोदी और अमित शाह के खिलाफ जिस कदर नारेबाजी हो रही है उससे इनके आक्रोश का पता चलता है। नीरज का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में दावा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, जिससे युवाओं में खासा उत्साह जागा था, लेकिन सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद अब वही प्रधानमंत्री रोजगार देने के बजाय युवाओं को पकौड़े बेचने की सलाह दे रहे हैं, जिससे युवा काफी निराश और हताश हैं। प्रतापगढ़ से प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आप लोग पकौड़े बेच रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि मेरी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार का कहीं अता पता नहीं है। आज हम लोगों को सारे युवा ठगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उन्हें रोजगार चाहिए और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वो पत्रकार साथियों के सामने आते हैं और कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। जो MBA किए हुए हैं, जो BEd किए हुए हैं, जो PhD किए हुए धारक है, वो सड़क पर आज टहल रहे हैं। रोजगार का कहीं पता नहीं है। हम सब इसके विरोध में आज प्रतापगढ़ जनपद के अम्बेडकर चौराहा के सामने पकौड़ा बेचने का स्टॉल लगाए हुए हैं और युवाओं से ये मांग करते हैं कि वो आए और हमारा समर्थन करें। डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश पूर्वी।